जिम्बाब्वे की टीम को हराने के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सूर्य कुमार यादव को दिया 25 करोड़ रुपए का चेक। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारतीय टीम के T20 वर्ल्ड कप 2022 में 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से 4 मुकाबले जीते हैं तो वहीं एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। जबकि पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 4 विकेट से जीता तो वहीं दूसरा मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ 56 रनों से जीता, जबकि तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका के हाथों 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। जबकि बांग्लादेश की टीम को भी आखिरी ओवर में 5 रनों से रोन डाला। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम का 5वां मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला गया, जबकि दोस्तों इस मुकाबले को सूर्या ने अकेले दम पर भारतीय टीम को जिताया, जिसमें सूर्या ने 25 गेंदों में 61 रन की तूफानी पारी खेली और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने 71 रनों से जीत लिया। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले को जीतने के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सूर्य कुमार यादव से बहुत खुश हुए और सूर्य कुमार यादव से कहा कि आप इसी तरीके से भारतीय टीम को ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहो और ये आपने ठीक किया, मोहम्मद रिजवान को उनकी औकात दिखा दी T20 में सबसे ज्यादा रन ठोक कर। और इसी से खुश होकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य कुमार यादव को एक बड़ा तोहफा भी दिया था।